सब्सक्राइब करें माई आर्ट चैनल को और बेल के आइकन को दबाना ना भूलें, जिससे आपको हर नए वीडियो की जानकारी मिलती रहे। इस वीडियो में मैं आपको बोट नेक डिजाइन बनाना बता रही हूँ। तो देखिए, इसकी कटिंग हम बुकरम के ऊपर नहीं करेंगे, सीधे गले के ऊपर करेंगे। तो इसकी चौड़ाई हम 4.5 इंच रखेंगे, तो एक निशान हम 4.5 इंच पर लगाएंगे और इसकी जो गहराई है वो हम 3.5 इंच रखेंगे, एक निशान 3.5 इंच पर लगाएंगे और यहाँ पर भी एक निशान 4.5 इंच पर लगाएंगे और इन दोनों निशानों को इस तरह से मिला देंगे। और इसके बाद देखिए, इसको हम इस तरह से गोलाई देंगे और देखिए पीछे का हिस्सा भी आप इसी के साथ रख के कटिंग कर सकते हैं। और अब हम इसकी कटिंग कर देंगे और इसके बाद देखिए, यहां से बीच के हिस्से से करीब 1 इंच से 1-2 पॉइंट कम यहां पर इस तरह से एक निशान लगाएंगे। और यहां पर देखिए, जो हमने निशान लगाया है यहाँ पर हम हल्का सा कट लगा देंगे। देखिए, ये कट लगाने के बाद हम बीच के हिस्से पर करीब 9.5 इंच पर एक निशान लगाएंगे इस तरह से और बीच में भी एक निशान लगा देंगे। देखिए, इसके बाद हमने ये जो कट लगाए हैं और हमारे जो बीच में निशान लगा हुआ है, इस कट से बिल्कुल इस निशान तक हम बिल्कुल सीधी एक लाइन इधर खींच देंगे और एक लाइन इधर खींच देंगे दूसरे कट के सामने। और देखिए, ये निशान लगाने के बाद हम नीचे भी एक सीधी लाइन खींच देते हैं इस तरह से। और देखिए, इसके बाद मैंने 2 पट्टी काटी हुई है और मैंने इनको डबल किया हुआ है, देखिए इस तरह से बीच में से। तो दोनों पट्टी डबल हैं और डबल करके एक पट्टी की चौड़ाई करीब करीब 2.25 इंच है और जो इनकी लंबाई है, जो हमारा ये निशान है, इससे थोड़ी ज़्यादा है। देखिए, क्योंकि हमें नीचे से भी इस तरह से फोल्ड करनी है और ऊपर से भी हमारी ये थोड़ी ऊपर आनी चाहिए ताकि ये गले में इस तरह से यहाँ पर पट्टी में दब जाए। देखिए, हम इसको इस तरह से, देखिए इधर से प्रेस से इस तरह से मोड़ लेते हैं दोनों पट्टियों को, इधर से भी और इधर से भी। और इसके बाद देखिए, थोड़ी सी ऊपर इस तरह से रख के हम यहाँ पर एक सिलाई लगा देंगे और यहाँ पर भी एक सिलाई लगा देंगे। देखिए, ये सिलाई हमें इस तरह से लगानी है और ये सिलाई लगाने के बाद देखिए, इस तरह से करके हम बिल्कुल गले के बराबर दोनों पट्टी की इस तरह से कटिंग कर देते हैं दोनों साइड से। और इसके बाद देखिए, करीब इतना हमारा ये सिलाई में चला जाएगा इधर से भी और इधर से भी। और यहीं से देखिए, इस निशान से 1-1 इंच पर हम पूरी पट्टी पर निशान लगाएंगे। और देखिए, ये निशान लगाने के बाद बिल्कुल इन्हीं निशानों के सामने दूसरी पट्टी पर भी निशान लगाएंगे, इस तरह से आप लगा लें, देखिए इस तरह से। और इसके बाद देखिए, हमें 2 कलर की डोरी बनानी है, एक अपने सूट के कलर की और एक दूसरी कलर की। आप मैचिंग की भी डोरी बना सकते हैं। और अगर आपको डोरी बनानी नहीं आती है तो डिस्क्रिप्शन में आपको इसका लिंक मिल जाएगा। और इसके बाद देखिए, जितने हमारे ये निशान हैं उतने हमें डोरी के पीस बनाने हैं। एक पीस की लंबाई करीब 2.5 इंच होनी चाहिए और आधे पीस हमारे एक कलर के होने चाहिए और आधे पीस एक कलर के। देखिए, इस तरह से हम इनकी कटिंग करनी है। और देखिए, इसके बाद हम एक साइड से ये डोरी सीनना शुरू करेंगे। देखिए, पहले हमें एक कलर की डोरी लगानी है यहाँ पर अंदर रख के, यहाँ पर हमें सिलाई लगानी है, फिर दूसरे कलर की डोरी लगानी है इस तरह से, पूरे निशानों के ऊपर हमें इस तरह से डोरी रख के तब सिलाई लगानी है। और देखिए, हमने जो निशान लगाया है ये पट्टी बिल्कुल इस निशान के ऊपर आनी चाहिए इस तरह से, और ये डोरी रख के हमें इस तरह से बिल्कुल सीधी सीधी सिलाई लगानी है। और देखिए, इसके बाद हम इस पट्टी को अंदर को इस तरह से मोड़ते हैं और तब इसके ऊपर सिलाई लगाएंगे। और इसके बाद यहाँ सिलाई लगाएंगे।
और इसके बाद इस पट्टी पर दूसरी साइड भी सिलाई लगाएंगे। देखिए इसके बाद इस साइड में हमें हमारी ये जो पट्टी लगी हुई है और ये हमारी जो डोरी है, इनको हमें देखिए इस तरह से क्रॉस में बनाना है। और फिर देखिए हमारे जो निशान है, इस निशान के ऊपर ये और इस निशान के ऊपर ये वाली डोरी, और फिर इस तरह से देखिए इस तरह से हमारे क्रॉस में बनती चली जाएंगी। और हमारे ये जो निशान लगे हुए हैं, इन्हीं निशानों के ऊपर आनी चाहिए इस तरह से। और देखिए इस तरह से इन निशानों के सामने इस तरह से ये डोरी करके तब हमें इनके ऊपर सिलाई लगानी है क्रॉस में करके। और देखिए इसके बाद इसको भी अंदर को फोल्ड करके इस तरह से इसके ऊपर सिलाई लगाएंगे। देखिए इसके बाद करीब 1.5 इंच चौड़ी हम एक और ये पट्टी काटते हैं। इसको इस तरह से सीधी कर लेंगे। और इसके बाद देखिए हमें अपने सूट के उल्टी तरफ इस तरह से इस और एक पट्टी को रख के गले के ऊपर सिलना है। और इस और एक पट्टी को हमें खींचना नहीं है, और देखिए इसके बाद ये जो हमारा कपड़ा है ये अंदर की साइड इस तरह से होना चाहिए, और इस और एक पट्टी को इस तरह से करके हमें बाहर की साइड को इस तरह से मोड़ना है। और इस और एक पट्टी की चौड़ाई जब आप मोड़ें तो ज़्यादा ना रखें, या तो इसको अंदर की साइड को ज़्यादा मोड़ लें, और अगर आपको फिर भी ज़्यादा लगती है तो इसकी थोड़ी थोड़ी आप कटिंग कर दें, क्योंकि अगर हम इस पट्टी की चौड़ाई ज़्यादा रखेंगे तो इसमें झोल आ सकता है। और देखिए इसके बाद हम यहाँ पर बिल्कुल बराबर जगह छोड़ते हुए इस तरह से एक लाइन खींचते हैं, और देखिए ऐसे ही एक लाइन यहाँ पर खींचते हैं। देखिए इस तरह से दोनों साइड हमें ये लाइनें खींचनी है। देखिए ये मैंने एक पेपर लिया हुआ है और इसको मैंने फोल्ड किया हुआ है बीच में से कई बार। और इसके बाद देखिए हम अपना मैचिंग का धागा लेते हैं और उसको इसके ऊपर इस तरह से लपेटते हैं। देखिए ये जो मैंने धागा लपेटा हुआ है, आप इसको अपनी पसंद के अकॉर्डिंग कम या ज़्यादा रख सकते हैं, यानी आप ज़्यादा बार भी इसको लपेट सकते हैं और थोड़ा कम भी लपेट सकते हैं। इसके बाद देखिए हम इसको यहाँ से काट देते हैं, और इसके बाद देखिए हम यहाँ से इसकी कटिंग कर देंगे। और देखिए इसके बाद ये मैंने चौहरा धागा लिया हुआ है और इसको हम यहाँ पर इस तरह से 3-4 बार लपेटते हैं। और देखिए लपेटने के बाद हम इसमें यहाँ पर 2-3 गांठे लगा देंगे। और इसको यहाँ से हम काट देते हैं, और आप चाहें तो इनको छोटे या बड़े अपनी पसंद के अकॉर्डिंग कर सकते हैं। और इसके बाद देखिए हम ये धागा सुई में डाल लेते हैं, और हमने जो लाइनें बनाई हुई हैं इनमें इस तरह से बिल्कुल इसी लाइन के ऊपर छोटे छोटे इस तरह से हम टाँके लगाते चले जाएंगे ऊपर तक। देखिए ये इस तरह से हमें लाइन बनानी है, और फिर नीचे इसमें हम पक्का कर देंगे, और ये सारी लाइनें हमें इसी तरह से बनानी है। देखिए इस तरह से ये हमारा गला तैयार हो गया है, और आप इस पर इस तरह से फैंसी बटन भी लगा सकते हैं। और अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आती है तो प्लीज़ लाइक शेयर और कमेंट करें, और अगर आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।